जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एलजी साहब के एड्रेस के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं हमेशा से मानता हूँ कि नेता विपक्ष रामवीर विदोड़ी जी दिल्ली के विषय में बहुत सोचते हैं और अक्सर जो है ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी कैसे बने। और मुझे लगता है कि इनकी प्रार्थना का ही असर है कि ईश्वर ने अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया ताकि सपना, क्योंकि विदोड़ी जी को मैं बहुत समय से जानता हूँ, वो दिल से चाहते हैं कि दिल्ली का विकास हो और इनकी प्रार्थनाओं का एक बड़ा योगदान है कि दिल्ली को एक सक्षम मुख्यमंत्री बना मिला है। और वो जो सपना है जो उन्होंने देखा इतने सालों से, वो धीरे धीरे जो है वो पूरा हो रहा है। मैं इस बात को भी समझता हूँ कि केंद्र सरकार के बड़े बड़े सरकारी अस्पताल होने के बावजूद भी टीवी पर केंद्र सरकार के रोज लगभग सारे टीवी चैनल्स पे कसीदे पढ़ने वाले हमारे भाई संबित पात्रा जो हैं, किसी केंद्र सरकार के अस्पताल में ना जाके गुड़गांव के मेदांता अस्पताल के अंदर भर्ती हुए। मैं ये समझता हूँ कि वो खुद डॉक्टर हैं और खुद पूरे दिन मोदी सरकार के गुणगान करते हैं, तो उन्हें ये बात की जानकारी बिल्कुल होगी कि ऐसे बहुत सारे नए एम्स हैं जो मोदी जी ने बनवाए हैं, मगर उन्होंने और उनके साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने और स्वयं अमित शाह जी, जिन्होंने दिल्ली को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बहुत कुछ दिया, वो भी जब पहली बार बीमार हुए तो वो ना किसी रेलवे के अंदर जो आईसीयू बने उसमें गए, ना वो किसी छतरपुर के अंदर जो नई नई सेवाएं बनाई उसमें गए, ना वो किसी और अस्पताल में गए, वो भी गुड़गांव के मेदांता अस्पताल के अंदर ही एडमिट हुए। मेरे को ऐसा लगता है कि किसी के स्वास्थ्य के बारे में और उसके अस्पताल के चयन के बारे में हमें यहाँ पर चर्चा नहीं करनी चाहिए थी, मगर क्योंकि रामवीर जी ने ये जिक्र छेड़ा तो मुझे लगा कि मैं उनको बताऊं कि उनकी पार्टी के नेता जो हमारे बीच में अभी नहीं रहे, जेटली साहब थे, सुषमा जी थी, वे भी इलाज करने के लिए देश को छोड़ के विदेश में इलाज करा के आए। और हमारी पूरी की पूरी भगवान से प्रार्थना थी कि विदेश में भी उनका अच्छा इलाज हो, जो बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके वो इलाज उन्हें मिले, मगर मुझे नहीं लगता कि उन्होंने या उनके परिवार ने इस देश का कोई अपमान करने की खातिर जो है विदेश के किसी अस्पताल को चुना होगा। मुझे लगता है कि उनकी व्यक्तिगत कुछ कारण होंगे, कुछ मेडिकल रीजंस होंगे, कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ होंगी जो उन अस्पतालों में बेहतर होंगी जिसके कारण वो वहाँ पे गए। मगर इस बात को कहने से पहले जो है इस सारी की सारी सूचना को विदोड़ी जी को ज़रूर जो है एकत्रित करना चाहिए था। मैंने सुना कि हमारे कुछ साथियों ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने ताली थाली गाली सब करने की कोशिश की, मगर अंततः जो कोरोना की रोकथाम है वो डॉक्टरों द्वारा ही की गई, सरकार के अंदर और प्राइवेट अस्पतालों के अंदर खूब अच्छा जो है इस दौरान जो है डॉक्टरों की तरफ से, पैरामेडिकल स्टाफ की तरफ से काम हुआ। और बड़ी बात ये है कि शायद दिल्ली सरकार ही इकलौती ऐसी सरकार है पूरे देश के अंदर जिसने इस बात को समझा कि डॉक्टर्स, नर्सेज और जो कोरोना वॉरियर्स हैं जो अपनी जान की बाजी लगाकर अस्पतालों के अंदर लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनको सरकार ने 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि का ऐलान भी किया और खुद मुख्यमंत्री स्वयं कई घरों के अंदर जाके ये सम्मान राशि जो है दे के भी आए, जिससे एक बहुत बड़ा मैसेज जो है पूरी दिल्ली के अंदर गया और कोरोना वॉरियर्स ने अपनी जान की बाजी लगाकर जो इसके ऊपर काम किया। हमारे दूसरे मित्र हैं, गांधीनगर से आते हैं अनिल वाजपेयी जी, और वो बता रहे थे कि किस तरह से जो है वो हमारी पार्टी छोड़ के गए। अनिल जी, ऐसी कोई बात नहीं आचार्य जी, है नहीं, तो वो बता रहे थे, देखिए अध्यक्ष जी, उनकी एक चीज़ तो हमें नोट करनी चाहिए कि उन्होंने बताया कि जो राशन केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली को दिया जा रहा था वो कई जगह सड़ा हुआ था, तो ये एक बहुत गंभीर विषय है और खासतौर पे हमारे भाजपा के मित्र ने उठाया। तो मुझे लगता है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कि भारत सरकार का एक अंग है, वो दिल्ली को दिल्ली के हिस्से का राशन देता है, और जाहिर सी बात है
है, और बाकायदा दिल्ली सरकार की कमाई का पैसा, दिल्ली वालों के टैक्सपेयर का पैसा जो है दिल्ली सरकार केंद्र सरकार को देती है ताकि दिल्ली वालों के लिए जो राशन है वो मुहैया कराया जाए। अगर उसके अंदर भी सड़ा हुआ राशन जो है केंद्र सरकार देती है तो ये एक बहुत दुख की बात है। मैं माननीय हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं रामवीर विधूड़ी जी, उनसे भी निवेदन करूंगा कि एक बार जो है एक छोटा सा प्रतिनिधि मंडल जो है विधायकों का लेके जाएं, हमारे जो खाद्य मंत्री हैं केंद्र सरकार के, ताकि हम उनको कहें कि जो राशन की जो क्वालिटी है जो केंद्र दिल्ली को दे रहा है वो अच्छी दे, ताकि इनका नाम भी रोशन हो, हमारे नाम भी रोशन हो और गरीब लोगों को जो है इसका फ़ायदा मिले। एक बात और विधूड़ी जी ने कही कि डॉक्टरों को एयरलिफ्ट करा के भेजा गया। अध्यक्ष जी, मुझे इसलिए याद है क्योंकि इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने ही की थी। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अनाउंसमेंट तो कर दी थी कि अभी 6 घंटे के अंदर अंदर डॉक्टर्स एयरलिफ्ट कराए के आपके दिल्ली के अस्पतालों के अंदर भेज दिए जाएंगे, मगर 48 घंटे इंतज़ार करने के बाद भी हमें पता चला कि ऐसा कुछ नहीं किया गया। और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि गृह मंत्री जी ने अनाउंसमेंट तो कर दी मगर दिल्ली वाले लोगों को इलाज की ज़रूरत है, हमने पूरे अरेंजमेंट कर रखे हैं कि वो डॉक्टर्स एयरलिफ्ट करके कब पहुँचेंगे, मगर वो सिर्फ एक अनाउंसमेंट थी। उसके बाद वो डॉक्टर्स 48 घंटे तक, जब तक मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तब तक नहीं पहुंचे। मुझे दुख इस बात का है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जल्दी बहुत रहती है, इस चीज़ की जल्दी बहुत रहती है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली वालों के ऊपर एक एहसान जताया जाए कि हम लोग आपके लिए कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, मगर वो काम नहीं किया जाता। रेलवे के अंदर जो बार बार ये बात कही जाती है कि रेलवे के अंदर ICU बनाए गए, अध्यक्ष जी ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं तो चाहूंगा कि ये रिकॉर्ड मंगवा के इस विधानसभा के अंदर एक एक सदस्य को दिया जाए कि भरी गर्मियों के अंदर जब लुए चलती हैं उस जून जुलाई के मौसम में उन रेल के डब्बों को खड़ा कर दिया गया, उनके अंदर कोई एयर कंडीशनर नहीं था, कुछ नहीं था, रेलवे की सीटों के ऊपर सफ़ेद चादर बिछा दी गई और कहा गया कि हमने ICU बेड तैयार कर लिए गए। मैं जानना चाहूँगा कि हमारे बीच में 8 दिल्ली के विधायक हैं जो भाजपा से आते हैं, इनके परिवार में से कौन ऐसा सदस्य, एक भी कोई सदस्य हो जो उस रेलवे के ICU के अंदर भर्ती हुआ हो और उसका इलाज होके वो यहाँ पे वापस आ गया हो। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।